क्या आपको बताया कि इस दुनिया में 3 करोड़ की टी शर्ट भी मौजूद है। आखिर ऐसा क्या है इस टी शर्ट में? और आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसा सिंगर दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। और क्या आपने आज से पहले अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखा है? ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंड फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने ऑर्चिड फ्लावर्स तो जरूर देखे होंगे जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज वैसी नहीं होती है जैसी वो दिखती है। नहीं समझे? डोंट वरी, मैं हूं ना। दरअसल दोस्तों, ये कोई ऑर्चिड का फ्लावर नहीं बल्कि एक जिंदा इंसेक्ट है जिसको कि ऑर्चिड मेंटिस के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, इसकी बनावट हूबहू ऑर्चिड फ्लावर की जैसी ही होती है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट सभी दूसरे इंसेक्ट को चकमा देकर उनका शिकार भी करता है। दरअसल दोस्तों, ये इंसेक्ट किसी भी ऑर्चिड फ्लावर के ऊपर कुछ इस तरीके से बैठता है कि प्लांट पर आए दूसरे इंसेक्ट को ये पता ही नहीं चलता है कि उसके ठीक बगल में मौजूद फ्लावर कोई फ्लावर नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसेक्ट है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से इस इंसेक्ट को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऑर्चिड के फ्लावर को देखें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि वो फ्लावर है या फिर ये महाशय फ्लावर बनकर वहां पर बैठे हुए हैं। फैक्ट नंबर 16। मिली इस दुनिया के सबसे पहले सिंगर और सॉन्ग राइटर रोबोट शिमोन से। दरअसल दोस्तों, इस रोबोट को जॉर्जिया टेक कंपनी के द्वारा साल 2015 में जॉर्जिया में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों, जब साल 2015 में इस रोबोट को सबसे पहली बार इंसानों के सामने लाया गया था तो ये इतना ज्यादा एडवांस नहीं था कि ये म्यूजिक लाइन में कुछ भी कमाल कर सके। और इसीलिए इस रोबोट के इन्वेंटर्स ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में साल 2020 में शिमोन के अभी तक के सबसे ज्यादा हाईटेक वर्जन को लॉन्च किया गया है, जहां पर इस रोबोट में इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया गया है कि जिसके थ्रू ये अपने आप ही ओरिजिनल लिरिक्स लिखने, ओरिजिनल म्यूजिक कंपोज करने और यहां तक कि गाना गाने के साथ साथ ह्यूमन म्यूजिशियंस के साथ रियल टाइम में लाइव कोलैबोरेट भी कर सकता है। एंड गेस व्हाट, इस रोबोट की सबसे पहली एल्बम 23 अप्रैल साल 2020 में ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुकी है, जिसका नाम शिमोन सिंग्स है। सच में अमेजिंग है ये रोबोट। फैक्ट नंबर 15। आपने पुराने जमाने में वो कहानियां तो जरूर सुनी होंगी जब राजा को खुश करने के लिए बहुत से लोग चमकीले पत्थरों को राजा को गिफ्ट में दिया करते थे, और राजा को जो भी चमकीला पत्थर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था राजा उसको अपने पास रख लिया करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पत्थर सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पत्थर चमकता हुआ दिख रहा है उसको यूपरलाइट के नाम से जाना जाता है, जो यूजली मिशिगन के बीचेस पर पाए जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पत्थर बिना एनर्जी के कैसे चमक सकता है? दरअसल दोस्तों, इन स्टोन्स में बहुत बड़ी मात्रा में सोडा लाइट फ्लोरोसेंट मिनरल पाया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये मिनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अब जैसे ही कोई भी यूवी लाइट इस स्टोन पर डाली जाती है तो ये यूवी लाइट की एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कुछ इस तरीके से येलो कलर में उसकी लॉन्ग वेवलेंथ को इमिट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये पत्थर यूवी लाइट के अंदर कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत वे में चमकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर कंटिन्यूस इस स्टोन पर 20 सालों तक लगातार यूवी लाइट को डाला जाए तो ये कुछ इस तरीके से लगातार चमक सकता है। तो ये स्टोन अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 14। सनग्लासेस का इस्तेमाल तो बहुत से लोग डेली करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सनग्लास बनाने का आइडिया सबसे पहली बार किसको और कैसे आया? दरअसल दोस्तों, चीन में मिले कुछ पुराने दस्तावेजों के आधार पर चीन में 12वीं शताब्दी से पहले कुछ इस तरीके के शेड्स का इस्तेमाल होता था। दरअसल दोस्तों, इन शेड्स को उस समय पर चाइना में स्पेशली चाइनीज जजेस के लिए बनाकर तैयार किया जाता था ताकि कोर्ट में उनके आई एक्सप्रेशन को हाइड किया जा सके। हालांकि इन ग्लासेस में सनलाइट को रोकने की जगह पर आंखों तक लाइट पहुंचने की क्वांटिटी को कम किया जाता था, इसलिए इन्हें कभी भी प्रॉपर सनग्लासेस नहीं कहा गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भले ही सनग्लासेस को इन्वेंट इन्होंने किया हो, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को एंशिएंट चाइना से लिया गया था। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि वेल की बॉडी के ऊपर एक होल होता है जिसको कि ब्लो होल के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, जब भी वेल पानी की सतह पर ऊपर आती है तो सांस लेने के लिए वो इसी होल से बहुत बड़े अमाउंट में हवा को बाहर निकालती है। अब क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर पानी मौजूद होता है तो ये हवा हमें एक फाउंटेन के रूप में दिखती है। तो मैं दोस्तों, क्या आपको बताया कि जब सनलाइट हवा में मौजूद मॉइस्चर में एंटर करती है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें आसमान में बेहद ही खूबसूरत रेनबो देखने को मिलता है। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई रेनबो और ब्लो होल का आपस में क्या कनेक्शन है,
या यूं कहूं बहुत रेयर कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे ही वेल के द्वारा वो फाउंटेन ब्लो किया जाता है, एटमॉस्फेयर में मौजूद सनलाइट उसी पानी में एंट्री करके एक स्पेसिफिक एंगल पर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें चंद ही सेकंड्स के लिए एक बेहद ही खूबसूरत रेनबो देखने को मिलता है, जिसको कि वेल रेनबो हार्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर इस इमेज को देख ही सकते हैं। दरअसल दोस्तों इसको रेनबो हार्ट की अभी तक की सबसे ज्यादा सटीक फोटोग्राफ भी माना जाता है। तो ये तो बात हो गई फोटोग्राफ की, अब चलिए मैं आपको इसी चीज की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप भी दिखाता हूं। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक व्हेल के द्वारा रेनबो हार्ट बनाकर दिखाया गया है, जिसमें आप चंद ही सेकंड्स के लिए इस अमेजिंग कारनामे को एक वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड होता हुआ भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो क्लिप अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांड के सामने लाल कपड़ा हिलाने से सांड को गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक जानवर को सिर्फ एक कपड़ा हिलते देखने से ही गुस्सा क्यों आ जाता है? दरअसल दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि सांड को लाल रंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सांड को लाल रंग लाल दिखता ही नहीं है। असल में दोस्तों सांड कलर ब्लाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी लाल रंग को देख ही नहीं पाते। असल में सांड को गुस्सा बस उसके सामने कपड़ा हिलते देखते हुए आता है, क्योंकि दोस्तों जब भी सांड अपनी आंखों के सामने किसी भी चीज को बहुत तेज स्पीड के साथ हिलता हुआ देखता है, तो उसके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन के बैलेंस में बहुत तेजी के साथ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। ये वही हार्मोन होता है जो ह्यूमन ब्रेन को भी शांत रखने में मदद करता है। जब सांड के ब्रेन में ये चेंजेस बहुत तेज स्पीड के साथ होते हैं, तो सांड की पूरी ही बॉडी में एक तेज सेंसेशन पैदा होती है और उसका ब्रेन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एंड रेस फिर क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। सो आई होप आज सांड के गुस्से को लेकर आपके सारे ही मिथ जरूर टूट गए होंगे। फैक्ट नंबर 11, हमारे ब्लड में WBC और RBC होते हैं, और ये बात तो ऑलमोस्ट हर इंसान को पता होती है। तो वही दोस्तों इन WBC और RBC को बचपन से ही हमने बुक्स में या फिर इंटरनेट पर डायग्राम या फिर एनिमेटेड फॉर्म में देखा होता है, लेकिन क्या आपने कभी भी रियल ब्लड में मौजूद रियल WBC और RBC को माइक्रोस्कोप से देखा है, और वो भी 2000 गुना जूम पर? नहीं तो साइंस लवर्स रेडी हो जाइए एक बार फिर से कुछ कमाल देखने के लिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है, असल में उसमें ह्यूमन ब्लड को माइक्रोस्कोप से 2000 गुना जूम करके रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर आप बेहद ही साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड में WBC और RBC की शेप कितनी बड़ी क्वांटिटी और कितने फास्ट मोशन में फ्लो करते हैं। और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस सैंपल में बहुत ही कम मात्रा में ब्लड को लिया गया था, तो जरा सोचिए कि हमारी पूरी ही बॉडी में ये कितनी बड़े अमाउंट में मौजूद होंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब एक इंजेक्शन को हमें लगाया जाता है तो उसकी निडल पर भी कुछ इस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में सेल्स चिपक कर बाहर आ जाते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, दूसरी सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग फेस्टिवल्स तो दिखाई हैं, उसी की तस्वीर क्या आपको पता है कि जापान में हर साल फरवरी के महीने में बेहद ही अमेजिंग सैपोरो स्नो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल दोस्तों इस फेस्टिवल को जापान के हकाइदो में साल 1950 से लगातार टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर बहुत बड़े स्केल पर बेहद ही खूबसूरत आइस स्कल्पचर्स, स्टैचूज और यहां तक कि बिल्डिंग्स की भी आइस रेप्लिकास को बनाकर तैयार किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस फेस्टिवल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग रंगों की लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत यहां पर ग्लोइंग टनल्स, टाउन्स और बेहद ही खूबसूरत साउंड एंड लाइट शोज का भी आयोजन किया जाता है, जिसकी वजह से इस फेस्टिवल को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत आइस फेस्टिवल्स में से भी एक फेस्टिवल माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बेहद ही अमेजिंग कलर चेंजिंग फिश को दिखाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो अपने कलर को चेंज करने के साथ साथ अपने आसपास की चीजों के अनुसार अपनी शेप को भी कन्वर्ट कर सकती है? जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर है लेकिन ये सच है। दोस्तों इस फिश का नाम कडल फिश है, जो कि ऑक्टोपस की एक प्रजाति से बिलोंग करती है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये फिश शिकार को फंसाने के लिए या फिर शिकार से खुद को सेव करने के लिए अपने आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी शेप को भी चेंज कर सकती है। जैसे कि आप अभी इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं, जहां पर इस फिश को एक बकेट में डाला गया है। अब क्योंकि बकेट इसके लिए एक अननोन ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये फिश अपने आप को बेहद ही जल्द एक स्टोन के रूप में कन्वर्ट कर रही है, जो इस बात को पूरी तरीके से प्रूफ करता है कि अगर इस फिश के सामने अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाती है जो इसने पहले नहीं देखी होती है, ये फिश तब भी उस सराउंडिंग से मिलती जुलती शेप को एडॉप्ट कर लेती है, जो चीज अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस अमेजिंग फिश को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके
जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको बताया कि पृथ्वी पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए सर्दियों में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनमें से काफी ज्यादा एनिमल्स हाइबरनेशन में जाते हैं। दरअसल दोस्तों, हाइबरनेशन वो प्रोसेस या टाइम पीरियड होता है जिसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी गहरी और शांत जगह पर जाकर सो जाते हैं। बेसिकली इसको सोना कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में एनिमल की बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी एक टर्टल किसी भी हाइबरनेशन में जाता है तो उसका दिल सिर्फ 10 मिनट में एक बार ही धड़कता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बॉडी को जिंदा रखने के बेहद जरूरी फंक्शन ही होते हैं, और वो भी बहुत ही धीमी स्पीड पर। एंड इस कंडीशन में एनिमल्स ऑलमोस्ट एक डेड एनिमल के जैसा बिहेव करते हैं, मतलब कि आप इनको उठाकर कहीं पर भी ले जाइए, इनके साथ कुछ भी कर लीजिए, ये हिलते ही नहीं है। और इस चीज को आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। यहां पर एक टर्टल हाइबरनेशन से बाहर आया है और इस टाइम पीरियड के दौरान इसके ऊपर कुछ इस तरीके की मिट्टी और उसके ऊपर घास तक ग्रो कर गई है। सच में नेचर ने सभी को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खासियत दी है। फैक्ट नंबर 7, दूसरे सीरीज में मैंने आपको नोएडा में बना हुआ द ग्रेट वेनिस मॉल दिखाया था, जिसमें वेनिस की हुबहू रेप्लिका को क्रिएट किया गया था। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको बताया कि इसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करते हुए कतर इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है, जहां पर दोस्तों कतर की राजधानी दोहा में विलेजियो नाम का एक बेहद ही अमेजिंग मॉल बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, इस मॉल को इटालियन हिल सिटीज से इंस्पायर होकर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। जैसे आप इस मॉल में आते हैं, आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि मानो आप इटली की किसी भी हिल सिटी में पहुंच गए हों। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मॉल में बनी इंडोर कैनाल, आर्टिफिशियल स्काई, रोड्स, ब्रिजेस और यहां तक कि इटली में लगने वाले फेयर की भी हूबहू रेप्लिका को बनाकर तैयार किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस मॉल को दुनिया के चुनिंदा सबसे ज्यादा खूबसूरत रेप्लिका मॉल्स में से भी एक मॉल माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, दूसरे सीरीज में मैंने आपको बेहद ही खूबसूरत 3D स्कल्पचर्स तो दिखाई हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एमरफोस कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर्स भी मौजूद हैं, जिनको देखने के बाद आप 3D स्कल्पचर्स को भी भूल जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इन स्कल्पचर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि सामने से देखने में एक अलग ही शेप बनाते हैं, तो वहीं दोस्तों जैसे ही इन स्कल्पचर्स को साइड से देखा जाता है तो ये एक बेहद ही अलग खूबसूरत 3D डिजाइन को बनाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन स्कल्पचर्स को बनाने के लिए आर्टिस्ट को एक ही टाइम पर दो अलग अलग आर्ट्स को सोचकर उनको कंबाइंड करकर एक ऐसा स्कल्पचर बनाना होता है जो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग शेप को रिप्रेजेंट करे, और वो भी 3D फॉर्म में, जो अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिनकी वजह से इन स्कल्पचर्स को काफी ज्यादा अमेजिंग स्कल्पचर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इस पूरी ही पृथ्वी पर हर साल लगभग 15.3 बिलियन पेड़ों को काटा जाता है। और इनमें से बहुत से पेड़ों को तो सिर्फ इसलिए काटा जाता है क्योंकि जहां पर पेड़ लगा हुआ होता है उस जगह पर किसी न किसी बिल्डिंग या फिर मॉल को बनाना होता है। तो मैं दोस्तों, क्या आपको बताया कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में यूएसए की कंपनी एनवायरमेंटल डिजाइन के द्वारा कुछ इस तरीके के इनफ्लेटेबल फ्लेक्सिबल ब्लेडर्स को बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी मदद से किसी भी पेड़ को कुछ इस तरीके से बेहद ही सेफ वे में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी हाल ही में कंपनी के द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार वो सिर्फ यूएसए में ही हर साल 1.5 से 2 लाख पेड़ों को शिफ्ट करके कटने से बचा रहे हैं, जो आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए कि अगर इस प्रोसेस को सारे ही कंट्रीज में किया जाने लगे तो हमारा पर्यावरण कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी हड्डियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं कि उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनकी हड्डियां कभी भी टूट ही नहीं सकती। दरअसल दोस्तों, ऐसा सिर्फ एक म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन का मतलब समय के साथ उनके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनकी बोन डेंसिटी नॉर्मल ह्यूमन बोन डेंसिटी से 8 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि उनकी हड्डियां नॉर्मल इंसानों की हड्डियों की तुलना में काफी ज्यादा मोटी और स्ट्रांग होती हैं। दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में मौजूद LRP5 प्रोटीन हमारी एज के साथ हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता और घटाता रहता है, लेकिन उससे उलट जब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में सही मात्रा में नहीं बन पाता है तो उस कंडीशन में हमारी बोन डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साल 1994 में एथलीट जॉन वो पहले ऐसे शख्स बने जो बेहद ही बड़े कार क्रैश से बिना किसी फ्रैक्चर के बाहर निकले। बाद में जब उनको एग्जामिन किया गया तब डॉक्टर्स को सबसे पहली बार इस म्यूटेशन के बारे में पता चला। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तरीके के लोगों की बोन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये कभी भी स्विम नहीं कर पाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पर ये म्यूटेशन एक इंसान को सुपर ह्यूमन तो बना देता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी स्विमिंग स्किल्स को छीन लेता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि राफेल की टेल पर RB001 लिखा गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों?
दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि यहाँ पर आरबी और 001 दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बात अगर यहाँ पर नंबर यानी कि 001 की जाए तो यहाँ पर 001 राफेल के प्रोडक्शन ऑर्डर को दर्शाता है, यानी कि भारत के सबसे पहले राफेल पर 001 लिखा गया है, दूसरे पे 002, तीसरे पे 003 और आगे भी भविष्य में इसी तरीके से ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो वही दोस्तों बात अगर आरबी की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि प्लेन की टेल पर आरबी भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल राकेश भदौरिया जी के नाम पर रखा गया है, जो साल 1980 से भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा में लगे हुए हैं। सो फाइनली अब आप राफेल की टेल के इन कोट्स का सही मतलब भी जानते हैं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में गुजरात के सूरत में रहने वाली दो हाई स्कूल की छात्राएं वैदेही वेकरिया और राधिका लखानी के द्वारा पृथ्वी के समीप एक एस्ट्रॉइड को खोज कर निकाला गया है, जिसकी पुष्टि खुद नासा के द्वारा की जा चुकी है और उसका नाम नासा के द्वारा HLV-2514 रखा गया है। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर वन, 3 करोड़ की टी शर्ट, आखिर ऐसा क्या है इस टी शर्ट में? दरअसल दोस्तों इस टी शर्ट का नाम सुपरलेटिव लग्जरी टी शर्ट है, जिसको कि साल 2012 में लंदन की सुपरलेटिव लग्जरी कंपनी के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस टी शर्ट को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया गया है। बेसिकली इस एनर्जी को क्लीन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये वो एनर्जी होती है जिसको हम प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त करते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से कंपनी का यह दावा है कि इस टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में 0% कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट हुई है। असल में दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर साल एटमॉस्फेयर में मौजूद कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 40% कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ही जनरेट करने में इमिट होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी ऑर्डिनरी टी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमिट करते हैं। लेकिन इस टी शर्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस टी शर्ट के अंदर बेहद ही अमेजिंग एंड कॉस्टली 16 डायमंड्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 8 सर्टिफाइड 1 कैरेट व्हाइट डायमंड्स हैं, जबकि रेस्ट 8 बेहद ही रेयर और कॉस्टली ब्लैक डायमंड्स हैं, जिनको कि इस टी शर्ट में कुछ इस तरीके से स्पेरिकल शेप में स्टिच किया गया है। और यही सारी चीजें मिलकर इस टी शर्ट को काफी ज्यादा कॉस्टली भी बनाती हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स की वीडियोस को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।